अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जावेद इकबाल एवान। आज के इस ट्रेनिंग में अगर मैं डिस्कस करेंगे डेटाबेस के मुताबिक, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई इंटरनेट कनेक्शंस देने के लिए अगर कोई बंदा वेबसाइट बनाने का, वेब एप्लीकेशन बनाने का कहे कि कोई भी ऑनलाइन आए और आके जो है वो उनके पैकेजेस हैं वो पैकेज सिलेक्ट करें और जो है कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर ले और लैंडलाइन नंबर लेना चाहता है या मोबाइल नंबर लेना चाहता है, तो उस हवाले से अगर कोई वेबसाइट हमें क्रिएट करनी पड़े तो उस हवाले से एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया। बहुत सिंपल डेटाबेस है, इसमें कोई रिलेशनशिप भी नहीं बनेगी और छोटी सी एप्लीकेशन होगी और उसी लिहाज से डेटाबेस उसका छोटा सा बनेगा। मैंने जिसमें डेटाबेस क्रिएट किया है उसका नाम मैंने रखा डीबी नेट के नाम से, किसी भी नाम से आप रख लें। उसमें पहले टेबल में बना रहा हूँ रजिस्टर्ड के नाम से, जिसके अंदर आईडी आपके पास जो होगी और उसके बाद यूज़र नेम है। कोई प्राइमरी की भी ज़रूरत नहीं है, अगर रखना चाहे तो मैंने खैर आईडी को प्राइमरी की रखा है, लेकिन फ़ौरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिलेशनशिप बनाने की इस एप्लीकेशन में। मुझे समझ मेरी नज़र में नहीं समझता हूँ कि किसी चीज़ की कोई रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर बनाना चाहे तो बनाएं। तो इसमें रजिस्टर के नाम से मैं टेबल बना रहा हूँ जिसमें आईडी हमारे पास प्राइमरी की होगी, यूज़र नेम है, ईमेल है और इसी तरीके यूज़र का पासवर्ड भी मैं यहीं पर असाइन कर रहा हूँ, स्टेटस भी उसका असाइन कर रहा हूँ और प्राइमरी की हमारे पास आईडी के नाम से होगी। एम्प्लॉय जो उसके उनके अपने एम्प्लॉय होंगे उसके लिए टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, मेंशन, स्टेटस, जेंडर वगैरह, और इसके अलावा कुछ और भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यहीं पे मैं पासवर्ड भी दे रहा हूँ ताकि वो लॉगिन भी होगा तो सीधे लॉगिन हो जाए, और यहाँ मैं आईडी को प्राइमरी की असाइन कर रहा हूँ। वेंडर के नाम से एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें जो है वो वेंडर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसका नाम हो गया, कॉन्टैक्ट पर्सन हो गया, NIC नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, परचेस प्रोडक्ट्स हो गई, एड्रेस हो गया, और इसी तरीके से जो है वो प्राइमरी की इसमें मैं आईडी को पास कर रहा हूँ। ब्रांड के नाम से टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें जो है वो ब्रांड का नेम हो जाएगा, ब्रांड की प्राइस हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी, और यहाँ मैं जो है वो प्राइमरी की आईडी को दे रहा हूँ। इसी तरीके से कनेक्शंस के नाम से जो है एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें आईडी होगी, कनेक्शन का नाम होगा, कनेक्शन की स्पीड होगी कि किसकी स्पीड का कनेक्शन है वो, और कनेक्शन की प्राइस होगी जो कि हम डिस्प्ले करेंगे या डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे एडमिन पैनल से, और फिर इसके बाद वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे यूज़र्स के लिए, और यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कनेक्शन स्पीड वगैरह के हिसाब से और कनेक्शन की प्राइस के हिसाब से कनेक्शन परचेस करना चाहे तो कर सकता है। और इसी तरीके से यानी परचेस का रिक्वेस्ट भेज देगा कनेक्शन की, और फिर देन जो है वो एडमिन के पास आएगी अप्रूवल के लिए। और इसी तरह कस्टमर के नाम से एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, और कस्टमर का नाम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके परचेस कनेक्शन कौन सा ले रहा है, जेंडर क्या है, कनेक्शन की फ़ीस वो दे रहा है और क्या लेना चाह रहा है, और इसी तरीके से उसके अंदर भी प्राइमरी की मैं आईडी के नाम से बनाऊंगा। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन है, छोटा सा उसके अंदर डेटाबेस और टेबल बनेंगे, और इसके ज़रिए से जो है वो आसानी से आप जो है वो कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अपनी कुछ कनेक्शन के आपके पास पैकेजेस हैं वो भी आप शो कर देंगे, और कोई भी ऑनलाइन यूज़र आके उस कनेक्शन को जो है वहाँ से वो परचेस करना चाहे तो परचेस कर सकते हैं। कोई पेमेंट ट्रांजेक्शन इसके अंदर नहीं है, लेकिन पेमेंट की अमाउंट वगैरह इसके अंदर मैंशन होगी। तो आई होप कि आपको आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर लें या मुझे ईमेल कर दें। ठीक है जी, बेहतर।